अब फ्रेंड्स यूनिट और आइडेंटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट और आइडेंटी मैट्रिक्स क्या क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू वन। यानी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में पहुंच सकते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स की देख सकते हैं या स्केलर मैट्रिक्स में भी देख सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कब होगा? जब इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे इसमें हमारे पास टू 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 आ रहे हैं, ये टू 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 आ रहे हैं, इनकी जगह अगर वन 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 हो तो उस कंडीशन में कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो वन वन वह यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या इसमें हम देखें मैट्रिक्स में जाके देखें, जहाँ पे एम बराबर एन हो तो उस कंडीशन में ए वन वन ए वन सॉरी ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री और ए एम एम, ये जो एलिमेंट हैं, अगर ये एलिमेंट हमारे पास वन है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होगा वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।